हे शैतान, तो ये खेल खेला है इन शेरगिलों ने, हाँ? अपने आप को छिपकली से बचाने के लिए सबने मोरपंख वाला मास्क पहन लिया, क्योंकि छिपकली मोरपंख से डरती है। ये धुआं, अब ये धुएं का क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? अरे ये तो पेस्ट कंट्रोल का धुआं है। तभी इस चिकनी छिपकली का रूप बदल रहा है। अरे ऐसे तो ये सबके सामने आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा। याचिनी, तुझे कुछ करना पड़ेगा। चल कुछ कर। अब इस तत्व रत्न से पेस्ट कंट्रोल के इस धुएं की दशा और दिशा दोनों बदल देती हूँ। सारा धुआं खिड़कियों से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद ये छिपकली अपने असली अवतार में नहीं आएगी। यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मिस्टर शेरगिल, क्या हुआ? मिस्टर शेरगिल, वो घुंघरू, मैंने घुंघरू की आवाज सुनी। किसने पहने घुंघरू? देखिए ना प्लीज। अरे वो छिपकली, यहाँ देख, तेरी चारों तरफ जाल बिछाए इन लोगों ने तेरे लिए। देख। होश में रह, वरना ये सब मिलके तेरे होश उड़ा देंगे। मैं मोरपंख निकालती हूँ सबका, चल जा। अरे ये लाइट को क्या हो गया? लाइट क्यों ऑफ हो गई? रक्षित, मिसेस शेरगिल, तुम यही रुको, मैं एक मिनट देखकर आता हूँ कि लाइट क्यों गई। हाँ, यही रुकना। मैं आप ठीक हो? हाँ दिवी, सुनना, मैंने अभी घुंघरू की आवाज सुन रहा है। वहां से कहीं आ रही है। देख, किसी का तो शरीर पीला पड़ा होगा दिवी, I'm sure। दी, हाँ, पीला पीला कुछ तो दिख रहा है, लेकिन बहुत अंधेरा है, कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। गौर से देखना। हाँ, वेट दिवी, वही है वो ह्यूमन मॉम। लाइट्स ऑन हो गए और वो येलो लाइट सिमरन की बॉडी से आ रही है। वो बाहर की तरफ जा रही है अभी। क्या? हाँ। देवी चल, हमें उसे पकड़ना होगा। जल्दी चल, पकड़ो। बहुत शौक है ना सबको धुआं धुआं खेलने का। करती हूँ शाम को धुआं धुआं। ये मिसेस शेरगिल कहाँ गई? उसे बोला था यहीं रुकना, पर कहाँ चली गई? ठीक है, मॉम, इसे कहते हैं दहले पे दहला। मरोगे तुम सब के सब, मरोगे इस धुएं के जहर से, और मुझे मेरा काल विजय रत्न मिलेगा। नहीं, मुझे छोड़ो।
पहले आप दोनों सुनो, ये देखो हैशटैग सिमरन हो गई गोल्डन येलो, हैशटैग सिमरन गोल्डन 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 येलो येलो गोल्डन येलो गोल्डन येलो। नहीं, वो ह्यूमन बॉम्ब है, वो कभी भी फट सकती है, उसकी जान खतरे में। सुनो, मेरे पास राह से तारा है, इसे पकड़ना मेरे साथ। चल चिरंजीव अंकल से पूछते सिमी का क्या करें। कुछ हुआ? हाँ, लाइट आई। चिरंजीव अंकल, इसलिए वो काल विजय रत्न निकल लिया है, इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। काल विजय रत्न की चमक इसके पूरे शरीर में फैल चुकी है, अब कुछ ही देर में ये चमक इसकी आंखों में चमक उठेगी, उसके बाद ये पीला रंग केशरी रंग में बदल जाएगा, और उसके बाद काल विजय रत्न इतना शक्तिशाली है कि इसके शरीर के अंदर वो फट जाएगा और शरीर फाड़ कर बाहर निकल आएगा। और सिमरन, सिमरन का क्या होगा? जब शरीर ही फट जाएगा तो जान कैसे बचेगी? रत्न बाहर आने के बाद ये जिंदा नहीं बचेगी। मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मैं जिंदा नहीं बचूंगी, अंधी भाभी मैं मर जाऊंगी। अब तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें पता है ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन कितना वक्त है, क्या कर सकते हैं हम लोग? सिर्फ 24 मिनट। व्हाट? सिर्फ 24 मिनट में? 24 मिनट में लोग किसको कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे? प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, की प्लीज कुछ बताइए। ये उसी के पास जाना चाहिए, अब तो इसे सिर्फ वही बचा सकते हैं, सिर्फ वही एक। वो एक कौन? कौन? प्लीज प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज बताइए कौन है वो एक। हाँ चिरंजीव अंकल, कुछ तो बताइए, कोई तो इशारा दीजिए। मैंने इशारा दे दिया। चले गए। आप दोनों के पास तो टाइम ही नहीं है, ओनली 24 मिनट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6। हम उस पिशाचनी को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, हमारी सिमी की जान खतरे में, हमें उसकी जान बचानी होगी। दीदी कुछ तो करना होगा। ओहो, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो अंदर चलते, अंदर चल के डांस। ओ गॉड, तुम इधर ही खड़े हो, हम लोग अंदर जाएंगे। प्लीज काम डाउन, तू इधर के पास प्लीज। समझाना उसे दी, हमारे पास 23 मिनट बाकी है, सुबह होने वाली। हम रक्षित को बुलाएं, अंजान को बुलाएं। नहीं दीदी, हम रक्षित सर को नहीं बुला सकते हैं। क्यों? वहां पर साचनी और नर्स से निकले उस जानवर से फैमिली को बचाने के लिए रक्षित सर का वहां होना जरूरी है, वो यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, तो मुझे उनके पास लेके चलो। वेट, थोड़ा वेट करो प्लीज, हम लोग जाएंगे। ओके, पक्का? दीवी, हाँ। जैसे तारा ने कहा था कि हमें उनके पास जाना चाहिए, अब केवल वही है जो हमारी सिमी को बचा सकते हैं, वो एक मतलब एक तो एक ही है, शिव जी। हमने रत्न भी तो वहीं पे रखा था। yes. पर हम रत्न वापस ले आए थे। दीवी, हो सकता है शिव जी हमारी कोई मदद करना चाहते हो। चल हम मंदिर जाते हैं सिमी को लेकर, हमारे पास वक्त नहीं है दीवी। ओके दी, चलो आ जाओ। चल चल। अरे दी, क्या इसका हाथ तो पीला से केसरी होते जा रहा है। मेरे पास वक्त बहुत कम है दीवी। चिरंजीव अंकल ने कहा था जैसे ही सिमरन का शरीर केसरी रंग का हो जाएगा वो फट जाएगी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें सिमरन की जान बचानी है। चलो 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 जल्दी। ये धुआं कहां से आ रहा है? अरे ये दोनों चूहिया कहां है? और वो टाइम बॉम्ब, वो भी तो गायब है, उसके तो फटने का भी टाइम हो रहा है। अरे ये कहां आए? अरे कहां चली गई, कहां चली गई, सबके सब कहां चली गई? अरे क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों? गुस्से में नहीं मां, गुस्से में हूं मैं, दिमाग फटा है मेरा। अरे ये त्रिमूर्तियां गायब है। सुन, मैं जाके इन तीनों को ढूंढती हूँ, तू यही रुक, समझे? वैसे भी इस धुएं की वजह से अनजान की शक्तियां कम हो जाएंगी, पलट के वार नहीं कर पाएगा। लेकिन सुन, इस धुएं का असर कुछ देर तक ही रहेगा उस पर, तो अभी तेरा काम है, तुझे देखना है कि कैसे तुझे इन सबको यहाँ रोकना है, समझी तू? और देखिए ये दोनों है ना, ये पत्नी व्रता पति रक्षित और शेखर, ध्यान रखना कि ये कहीं अपनी पत्नियों के पीछे तूझ की तरह ना आए। रक्षित की पत्नी मैं हूँ। अरे चीप गली, ये पति पत्नी खेलने का टाइम नहीं, समझी ना? जितना बोला है उतना ही कर। और सुन, अगर किसी को मारना भी पड़े ना तो मार देना, डस लेना सबको, मैं तो कहती हूँ, ठीक है? कहाँ है, कहाँ है ये त्रिमूर्तियाँ? ये तीनों छुचुंदरियाँ कहाँ चली गई? वो रहे, वो रहे, वो रही मेरा काल विजय रत्न। चले पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे। चुप सिमरन, चिल्ला मत, मेरे को भी बैठना है। दिव्य, दिव्य, हम कहाँ हैं? वही तो पता करने की कोशिश कर रही हूँ, कहाँ है। दिव्य ध्यान रख, कहीं वो पिशाचनी हमें देख ना ले, अगर इसने हमें देख लिया ना तो वो हमारा पीछा करेगी। और फिर भी मुझे पता है, मैं वही देख रही हूँ कि पिशाचनी कहाँ है, ताकि हम लोग को देख ना ले। वेट, सॉरी दिव्य, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। नहीं दी, I'm sorry. मैं आप इरिटेट हो गई, सॉरी। ए वो देखो गाड़ी का, चुप 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 रहो।
दिव्या? हाँ, बाहर आ रही है। चलो चलो चलो, गाड़ी में चलो। ये सीट बेल्ट दी। हम तीनों जाएंगे, फिर से घूम के आएंगे, है ना? हाथ अंदर करो जल्दी।